इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सचेंज रेट सपोर्ट वर्सेस फॉरवर्ड रेट्स के कुछ और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 10। उसमें देखो आपको मेंशन किया है ऑन अप्रैल 3, 2021 अब बैंक वर्क्स का फुलिंग तो आपको कोटेशन दे रखी है ऑन अप्रैल 3। और देखिए आपका जो एक्सचेंज रेट है सपोर्ट रेट आपको दिया है एज ऑन दिस डेट सपोर्ट रेट ये आपको दे रखा है किसी जो फॉर वन डॉलर की वैल्यू दी है रुपीज में इट मीन्स यूएस डॉलर वन उसका रेट है आपके पास रुपीज 66.2525 ये बिग रेट है एंड ऑफर रेट है आपका 67.5945। फिर आपको दिए स्वैप पॉइंट्स टू मंथ्स एंड थ्री मंथ्स सिग्नेचर गिवन स्वैप पॉइंट्स तो स्वैप पॉइंट्स हम ये भी कहते हैं फॉरवर्ड मार्जिन। और फॉरवर्ड मार्जिन कैन बी प्रीमियम और डिस्काउंट वो हमें चेक करना पड़ता है। जैसे आपको दिया है टू मंथ्स के पॉइंट्स हैं 70/90 एंड देन 80/160 तो 186 तो आप देखेंगे ये लेफ्ट टू राइट राइज हो रहा है लेफ्ट टू राइट इट मीन्स जिसी की प्रीमियम ये आपका प्रीमियम माना जाएगा। तो इन स्पोक ट्रांजेक्शन डिलीवरी में आपके टूगे जबकि स्पोक रेट है आपकी अप्रैल 5 यू आर रिक्वायर टू जैसे अप्रैल 3 का रेट है पर स्पोक सेटलमेंट गोविंग के बाद होती है इट मीन्स एक तरीके से स्पोक रेट का मतलब है किसी जो ऑफ अप्रैल 5। सो देन यू हैव टू असर्टेन स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 months एंड 15 days फॉर June 20। तो आपको ये जो स्वैप के मार्जिन भी है ना पॉइंट्स ये कैलकुलेट करनी है सबसे पहले वट आर स्वैप पॉइंट्स और जिसे जो अवर June 20 विच मीन्स 2 months एंड 15 days और वी कैन से 2.5 months के कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो 2 महीने के जो दिए हैं स्वैप पॉइंट्स उसके बाद 3 months के भी दिए हैं इसमें से माइनस करके 2 months का वो 1 महीने का आ जाएगा उसका करके हाफ वो 15 days का बन जाएगा। तो आपके जून की अप्रैल 5 में ऐड करके 2 महीने और 15 दिन ये बन जाएगी June 20। तो देखो स्वैप पॉइंट कैसे निकालेंगे तो आप लीजिए 70 है बिग का और प्लस 160 में से माइनस है 70 उसका करके हाफ 160 माइनस 70 ये बिग के आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है 90 है और प्लस हाफ कर दो आप 186 माइनस 90 तो जिसे कमिंग 70 प्लस जिसे 90 45 तो इसकी वैल्यू आ गई 115 एंड जिस वैल्यू है जो 90 प्लस 96 तो जिसे जो कमिंग 48 तो जिसे जो 138 और इसकी वैल्यू है आपकी 115 तो उसको हम लिख सकते हैं 115/138 ये हमारे स्वैप पॉइंट्स आ जाएंगे 2 महीने 15 दिन के। एंड नाउ देयर आस्किंग सेकंड पॉइंट मैंने पूछा है डिटरमिन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर June 20 तो इसी रेट का अब आपने रेट कैलकुलेट करना है बाकी जो फॉरवर्ड रेट एज ऑन June 20 इट मीन्स आप देखो स्वैप पॉइंट लेफ्ट टू राइट राइज हो रहे हैं प्रीमियम है ये सपोर्ट रेट है इसमें ऐड कर दो आप फॉरवर्ड प्रीमियम ये 3 डिजिट्स है तो आपने राइट साइड से काउंट करनी है तो ये बन जाएगा 0.0115 जिसे 0.0138 तो इस तरीके से आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 66.2525 + 0.0115 तो जिस रेट की कमी 66.264 67.5945
0.0138, जिस रेट के लिए 67.6083, जिसे फॉर्मा रेट। नेक्स्ट ईयर आसन कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट ऑफ US डॉलर ऑन इंडियन रुपी ऑन एन एवरेज रेट। अब आपको इसको प्रीमियम में डिस्काउंट कैलकुलेट करने हैं ऑन एन एवरेज रेट। अब आपके पास दो रेट है, आपको स्पॉट रेट बिग भी है ऑफर भी है, इसी तरीके से फॉरवर्ड रेट ये है आपके पास 2 मंथ्स है 15 डे मीन्स 2.5 मंथ्स का। जब आपके पास दो रेट्स होते हैं बिग और ऑफर तो हम एवरेज कर लेते हैं उसकी, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए बाकी एवरेज रेट। वो एवरेज रेट का जो फार्मूला ये होता है एवरेज रेट इज इक्वल टू बिग प्लस ऑफर डिवाइडेड बाय टू। तो आपको स्पॉट का भी कैलकुलेट करना है एवरेज, ये आपका स्पॉट का आ जाएगा एवरेज रेट 66.2525 प्लस 67.5945 डिवाइडेड बाय टू, जिसे 66.9235। ऐसे यहाँ से आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा एवरेज 66.264 प्लस 67.6083 डिवाइडेड बाय टू, जिसे 66.9365। अब आप फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट प्रीमियम चल रहा था इसमें, तो आप प्रीमियम निकाल लीजिए, फॉरवर्ड प्रीमियम ये आपका है परसेंटेज में पर एनम। तो फार्मूला है फॉरवर्ड रेट माइनस को, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा बेस करेंसी का निकालते हैं, तो बेस करेंसी क्या है ये है आपकी डॉलर, ठीक है डॉलर का कैलकुलेट। तो एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 इंटू 12 अपॉन और इसका टाइम है 2.5 मंथ्स, जैसे फॉरवर्ड रेट 66.93615 माइनस सपोर्ट रेट 66.9235 अपॉन 66.9235 इंटू कर दीजिए आप 100 इंटू 12 बाई 2.5, जैसे कमिंग को भी 0.0907%, तो 0.09% आपका अप्रोक्सीमेट फॉरवर्ड प्रीमियम आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11, इसमें भी देखो आपको 2-way कोर्स दिए हैं फॉरन एक्सचेंज मार्केट में सपोर्ट और 3 मंथ्स फॉरवर्ड, आपको रेट दिया देखो रुपीज पर डॉलर। बाकी ये सपोर्ट रेट है आपके पास 66.00/25 और एक है आपके पास 3 मंथ्स फॉरवर्ड, जिसे 67.00/50। उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए बिग ऑफर में, 25 को रिप्लेस करके 66.00/66.25 67.00/67.5। नंबर 1 देयर आस्किंग, सो बाय व्हाट परसेंट है क्या डॉलर करेंसी चेंज इंडिकेट या नेचर चेंज विद रेफरेंस टू आस्क रेट। तो आपने आस्क रेट के कंपैरिजन करना है, बाकी जो अवर परसेंटेज चेंज इन डॉलर जिसे जो विद रिस्पेक्ट टू आस्क रेट। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है प्रीमियम में डिस्काउंट कितना है डॉलर में, तो फार्मूला है डॉलर है बेस करेंसी, तो किसी फॉरवर्ड माइनस सपोर्ट अपॉन सपोर्ट इंटू 100 इंटू आंसर देखते हैं पर एनम में 12/3 मंथ्स, और आपको लेना है सिर्फ अब आस्क रेट। ये फॉरवर्ड का आस्क रेट है 67.50 और ये आपका है सपोर्ट 66.25 इंटू 400, तो जिसे कमिंग प्रीमियम तो ये आपका प्रीमियम आ जाएगा 67.5 माइनस 66.25 डिवाइडेड बाई 66.25 इंटू 400, जिसे 7.55% जिसे अवर प्रीमियम।
सो सेकेंड ईयर आस्किंग बाय व्हाट परसेंट हैज योर रुपी करेंसी चेंज इंडिकेट या नेचुरल चेंज विद रेफरेंस टू बिग रेट। अब आपको रुपी का बताना है, बट वो हमें डिस्कस करना है परसेंटेज चेंज इन रुपी विद रिस्पेक्ट टू बिग रेट। ये था आपका आस्क रेट के, इसका फार्मूला होता है एस माइनस एफ, क्योंकि रुपी आपकी है कोटेड करेंसी, एस माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इंटू 12/3। तो बिग में देखिए आपका जो है बिग रेट है सपोर्ट फॉरवर्ड 66 माइनस 67 अपॉन 67 इंटू 400, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा जिसे 400 अपॉन 67, तो 5.97% रुपये आपका डिस्काउंट पर चल रहा है। सो थर्ड, हाउ मेनी यू एस डॉलर इशू के फर्म सेल टू गेट रुपये 45 लाख आपके 3 मंथ से। आपको अब डिटर्मिन करना है कि आपको कितने डॉलर सेल करने हैं और बाय करना है रुपीज 45 लाख टू बाय रुपीज 45 लाख आफ्टर 3 मंथ्स। उसके लिए आपको सेल करने हैं डॉलर, सेल डॉलर हाउ मच 3 मंथ्स के बाद, जब हम डॉलर सेल करेंगे एक ही बाय करेगा बिग रेट के ऊपर 67 आपका रेट है, तो रुपी के 67 के लिए आपको सेल करना है डॉलर 1 और रुपी 45 लाख के लिए आपके डॉलर्स आ जाएंगे। सो जिसमें कि डॉलर यू हैव टू सेल 45 लाख डिवाइडेड बाई 67, तो जिस इनकमिंग डॉलर 67164.2। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं या जैसी मिलने गए सकते हैं। फोर्थ गेयर आस्किंग हाउ मेनी रुपीज फर्म इज रिक्वायर टू पे टू ऑब्टेन डॉलर 2,20,000 स्पॉट मार्केट। अब आपको डॉलर बाय करने हैं स्पॉट मार्केट में, इसके लिए आपको रुपीज पे करने हैं जिसे फोर्थ, इतने से टू बाय डॉलर एट द सपोर्ट, उसके लिए आपको रुपीज सेल करने हैं, रुपी पे करने पड़ेंगे। तो आपके देखो डॉलर बाय करने हैं तो ए जी सेल करेगा, ए जी विल सेल एट द ऑफर रेट, तो आपको चाहिए ऑफर रेट सपोर्ट मार्केट में, ये ऑफर रेट है आपका। तो इट मीन्स फॉर डॉलर 1 यू वी हैव टू सेल रुपीज 66.25, और कितने डॉलर आपको बाय करने हैं 2,20,000 टू बाय डॉलर 2,20,000। सो जिसमें कि रुपीज यू हैव टू सेल 66.25 किसी 1,475 1/5 फर्म है कि US डॉलर 90,000 इन करंट अकाउंट अर्निंग नो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपी इन्वेस्टमेंट के 10%, शुड द फर्म इन कैश US डॉलर नाउ और 3 मंथ से लेकर। तो सेम एक ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, आपके पास ये हो करंट अकाउंट में डॉलर्स हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको आपने इन कैश करना है 3 महीने के बाद या आज ही। तो इफ़ यू इन कैश डॉलर 90,000 आफ्टर 3 मंथ्स एंड कैश का मतलब है आप सेल कर देंगे तो आपको मिलेगा रुपीज, तो वट विल बी योर इनफ्लो। तो आपने डॉलर सेल करने हैं एक ही बाय करेगा बिग रेट के ऊपर, इट मीन्स आपको इनफ्लो मिलेगा रुपीज 67 × 90,000 डॉलर, ये आपका अमाउंट आ जाएगा रुपीज में जिसे कि रुपीज 60,30,000। सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको आज ही सेल कर सकते हैं, सेकंड ये सेल डॉलर टुडे, उसको फिर आप इन्वेस्ट कर लीजिए रुपीज में, वो फिर भी योर इनफ्लो आफ्टर 3 मंथ्स कितना कैश मिलेगा। आज आप सेल करेंगे डॉलर एक ही बाय करेगा बिग रेट रुपीज 66 × 90,000 और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट आपको दिया 10% पर एनम 3 महीने का,
प्लस 10% ऐड कर दो फॉर 3 मंथ्स के लिए, तो ये 3 महीने का बन जाएगा 2.5%, 2.5% 66 × 90,000 प्लस 2.5%, तो आपके रुपीज मिलेंगे 60,88,500। तो इतनी जिस ऑप्शन है जो बेहतर, ये बेहतर ऑप्शन है आपकी, इससे ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12, इसमें आपको मेंशन किया है अ स्टूडेंट ऑर्डर ए बुक फ्रॉम USA ऑन 1 मई फॉर $90। एक स्टूडेंट ने बाई किया है बाई बुक फॉर $90 एंड जिसे को ऑन 1 मई। वैन सपोर्ट रेट इज 68.5, तो आज आपका जो रेट है सपोर्ट रेट वो आपको दिया है रुपीज पर डॉलर 68.50। पेमेंट वाज मेड 10 डेज लेटर व्हेन द बुक वाज डिलीवर्ड, तो आपने पेमेंट की है आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज एंड बाई दिस टाइम रुपी हैव अप्रिशिएटेड बाय 10%। अब 10 दिन के बाद आपका रुपी अप्रिशिएट हो गया, रुपी अप्रिशिएटेड बाई 10%। सो हाउ मच डिलीवरी कॉस्ट द स्टूडेंट इन रुपीज, तो आपको देखना है कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको रुपीज में। तो आपको देखो रेट दिया है रुपीज पर डॉलर, रुपी है इसमें आपकी क्वार्टरली करेंसी, उसका प्रीमियम दिया है आपको, तो आप कैलकुलेट कीजिए प्रीमियम होता है रुपये का, फार्मूला बनेगा एस माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इक्वल टू 10%। तो 10 दिन में 10% अप्रिशिएट हो गया है, तो स्पोर्ट रेट है 68.5, इससे एफ कैलकुलेट हो जाएगा आपको 100 विल गो हेयर। तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल आल्सो गो हेयर 68.5 इक्वल टू 1.1 एफ, इससे आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 68.5 upon 1.2 68.5 divided by 1.1, तो जिस रेट की कमी 62.2727, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी बच्चे की कॉस्ट ऑफ बुक। अब इतनी वैल्यू हो गई है डॉलर की, तो डॉलर 1 इज इक्वल टू 62.2727 और आपकी ये कॉस्ट है आपने पेमेंट करनी है डॉलर 90 की इनको 90 62.2727 इनको 90, सो दिस अमाउंट विल बी रुपीज 5604.5 और राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 5605 आपकी कॉस्ट आ जाएगी रुपीज में। लास्ट प्रॉब्लम यही नंबर 13, इसमें आपको मेंशन किया है सपोर्ट रेट है डॉलर का, सपोर्ट रेट आपको दिया है रुपीज 65 पर डॉलर एंड 4 मंथ फॉरवर्ड रेट भी आपको दिया है, फॉरवर्ड रेट दिया है आपको 4 मंथ्स का रुपीज 65.90 पर डॉलर। तो बताइए एनुअल प्रीमियम आपको कैलकुलेट करने हैं, एनुअल प्रीमियम कितने क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम किसका कैलकुलेट करेंगे ऑफ बेस करेंसी वो है आपकी डॉलर, तो फार्मूला बन जाएगा आपका एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 × 12/4, ये 4 महीने का रेट है आपका, ये बन जाएगा पर एनम। सो एफ इज 65.90 − 65/65 × 300, सो दिस इज कमिंग अवर एनुअल प्रीमियम, तो 0.90 × 300 / 65, दिस इज 4.154%, इज अवर एनुअल प्रीमियम। तो ये हमने डिस्कस किए थे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑफ एक्सचेंज रेट, हाउ टू डिटरमिन स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्रॉस रेट। थैंक यू।